आज कई अखबारों में खबर छपी कि अमर कॉलोनी लाजपत नगर में सीलिंग की जा रही है मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर स्पेशल प्रोविजन्स एक्ट लागू है, जिसके अनुसार जिन्होंने भी जो भी बिल्डिंग 2009 से पहले बन चुकी है वो बिल्डिंग उसमें कवर होती है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती 2020 तक। अगर मॉनिटरिंग कमेटी कहीं पर भी डिमोलिशन या सीलिंग करना चाहती है तो उसको पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता है। मॉनिटरिंग कमेटी डायरेक्टली स्पेशल प्रोविजन एक्ट को फ्लॉट नहीं कर सकती है और अमर कॉलोनी के अंदर किसी भी तरह की सीलिंग को नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किसी तरह की डिमोलिशन की जानी चाहिए, क्योंकि सभी बिल्डिंगें 2009 से पहले बनी हुई हैं, कोई भी नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। नई बिल्डिंग्स को इसकी प्रोटेक्शन नहीं है, पर 2009 से पहले की जितनी बिल्डिंग है उन सबको प्रोटेक्शन मिली हुई है। अमर कॉलोनी नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि अगर एक कॉलोनी में ऐसे सीलिंग होती है तो कहीं भी की जा सकती है और उस एक्ट का जो पार्लियामेंट ने पास किया है उस एक्ट का कोई मायने नहीं रहेगा। दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट को मानते हुए उसकी सीलिंग को बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की सीलिंग नहीं की जानी चाहिए, ये दिल्ली सरकार का कहना है। धन्यवाद। मेरा ये कहना है, आज अखबारों में खबर छपी है कि 2500 बिल्डिंगों को सील किया जाएगा, ये गलत है। घरों को जो सील किया जाएगा वो बिल्कुल गलत है। घरों को मॉनिटरिंग कमेटी सील नहीं कर सकती है क्योंकि वो घर 2009 से पहले बने हुए हैं, 2007 से भी पहले बने हैं, 2007 से पहले बने हुए। जो नए बन रहे हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं है, परंतु सारे घर जितने भी घर हैं 2007 से पहले बने हुए हैं। नहीं, 2007 से पहले अमेंडमेंट हो चुकी है। अगर ऐसे भी कोई घर हैं या इलाके अमर कॉलोनी के अलावा जहां पे नोटिस गए? अभी हमारे नॉलेज में अमर कॉलोनी के बारे में आया है, बताया गया कि 2500 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अनुसार जो भी बिल्डिंग 2007 से पहले बनी है उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता और उसको सील भी नहीं किया जा सकता। जी रेजिडेंशियल जी, मिस्टर गोवर्धन ने एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अगर कुछ चाहे क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो भी बता सकते हैं आपको। अंडर द स्पेशल एक्ट 2007 का अगर 5 मंजिल भी बनी हो, 6 मंजिल भी बनी हो, विच इज़ कॉन्ट्री टू लॉ, बिकॉज 3 मंजिल के ऊपर नहीं बन सकती, वो भी अगर 2007 से पहले बनी हुई हो तो नीदर मॉनिटरिंग कमेटी नॉर एनी अदर अथॉरिटी कैन टच दैट कंस्ट्रक्शन बिकॉज दे हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इट्स अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। So monitoring committee is also not above parliament, they also have to abide by law. और supreme court का order था 3rd January 2012 में कि monitoring committee will not take any action, will not demolish any building till the matter is finally heard by the supreme court, or the matter is still pending in the supreme court. So the question of monitoring committee touching these properties saying that ये illegal बनी है इसलिए हम demolish करेंगे, that issue should not arise, and ये अफवाह या this kind of a panic which has been created in some of the papers should not be carried forward. People should know that buildings which have been constructed prior to the passing of that ordinance remains protected even though it is beyond 3 years. Sir, इसके अलावा एक सवाल इससे related है कोई? पहले इसी के बारे में पूछेंगे। Sir, भारत में एक कानून जारी कर दिया है जिसमें तोड़ने का नोटिस दिया गया है और दो दिन में उनको ये हो सकता है कि दिस कंस्ट्रक्शन में बी ए न्यू कंस्ट्रक्शन 2019 की हो, 2018 नहीं, ये अगर ये है तो वो गलत है, वो दे कैन गो बैक टू द मॉनिटरिंग कमेटी एंड शो द पेपर्स की इनकी कंस्ट्रक्शन 2007 या 2009 से पहले की है। देखिए करण, एज मंत्री जी राइटली सेड कि इफ द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग मेड नाउ विच इज कॉन्ट्री टू द लॉज एंड द बाय लॉज दैट कैन नॉट बी परमिटेड।